पता है, हमारे अंदर कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं, कुछ विश्वास हमारे अंदर इस कदर बैठ जाते हैं कि हम हर परिस्थिति में कुछ चीज़ों को उसी तरह से सोचते हैं जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अगर हमें जिस तरह से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिफेंट होता है, उसको बचपन से उसके पाँव में जंजीरें बांधी हुई होती है और वो बहुत कोशिश करता है, वो उन जंजीरों से कभी निकल ही नहीं पाता है वो, और बड़े होने के बाद में भी जब उसके पाँव में जंजीरें बांधी होती है तो वो खुद इतना सक्षम होता है, इतना केपेबल होता है कि उन जंजीरों को तोड़ के वो बाहर निकल सकता है। बट उसके दिमाग में बचपन से ये सेट होके रखा है, ये फॉर्मुलेट होके रखा है कि वो उन जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है, और वो बड़े होने के बाद में भी उसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। इसको बोलते हैं लिमिटेड बिलीफ, क्योंकि वो ये उसका बिलीफ सिस्टम हो गया है कि ये जंजीरें मुझसे कभी नहीं टूटेंगी और मैं इनको तोड़ के कभी निकल नहीं सकता। इसीलिए जब वो केपेबल होता है उनको तोड़ने की, तभी भी वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसका थिंकिंग पैटर्न में ये एलिफेंट के थॉट प्रोसेस में ये चीज़ बैठ चुकी है कि वो इसको कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसी तरह हम सब के मन में भी कुछ नेगेटिव बिलीव्स होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, जैसे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मुझे तो कभी बाहर जाने ही नहीं देंगे पढ़ाई के लिए या काम के लिए। ऐसे कुछ बिलीव्स हमारे फैमिली से रिलेटेड हमारे पेरेंट हमारे अंदर डालते हैं, कुछ हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हमारे अंदर आते हैं। वो बिलीफ सिर्फ एक लिमिटेड बिलीफ है आपके अंदर। जिस दिन आपने ठान लिया कि ये काम होना ही होना है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन मुझे मेरे टारगेट को अचीव करने से नहीं रोक सकती, उस दिन से वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती जाएगी। आपकी पॉसिबिलिटी उन चीज़ों को अचीव करने से रिलेटेड बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स खुद आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लाते जाएंगे उन चीज़ों के रिगार्डिंग कि आप एकदम अमेज्ड हो जाएंगे। जी हाँ, ट्राई करके देखिए, ऐसा ही होता है। ये जो लिमिटेड बिलीव्स होते हैं ना, यही रोकते हैं हमें हमारे सपनों को पाने से।